आपने खिचड़ी और पुलाव तो कई तरीके के खाए होंगे दोस्तों, बट ये स्पेशल पंजाबी पुलाव या पंजाबी चने दाल की खिचड़ी, ये आपने शायद नहीं खाई होगी। बहुत सिंपल है इसको बनाना और बहुत न्यूट्रिशियस है। चने की दाल से बनी है और बहुत टेस्टी बनती है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये चने की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने प्रिपरेशन पहले ही सारी कर रखी है। मैंने यहाँ पर आधा कप चना दाल को लगभग 3-4 घंटे के लिए भिगा कर रखा था। मिनिमम आपको 2 घंटे तो भिगाना ही है। साथ में मैंने यहाँ पर चावलों को, बासमती राइस मैंने यहाँ पर ली है, इसको मैंने आधे घंटे ही भिगाया है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर अदरक ली है 2 इंच, उसको घिस लिया है, मिर्चे हैं, प्याज मैंने 1 ही लिया है और उसको ऐसे स्लाइसेस में किया है, और 2 से 3 थोड़े ज़्यादा ही ले लेना, लेकिन देसी टमाटर ही लेना, तभी इस पुलाव का बहुत बढ़िया खुशबू आती है। इसके साथ साथ धनिया ज़रूर लेना। ये जो शगना दी खिचड़ी होती है या शगन के पुलाव जो होते हैं, ये बेसिकली बहुत पॉजिटिव ओकेजन्स पे ही बनाए जाते हैं। इसमें खड़े मसाले काफ़ी पड़ते हैं, आप देख ही सकते हो, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है, तेजपत्ता, बड़ी इलायची थोड़ी ज़्यादा है, छोटी इलायची भी है, और 2 मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए। इसमें कोई और दोस्तों मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर ये नहीं डलेगा, यही बेसिक चीज़ें डलेंगी और इससे ही बढ़िया स्वाद आएगा। हाँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसको घी में ही बनाना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। नहीं तो आप चाहो तो आप तेल में भी बना सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। आप बस सबसे पहले गरम गरम घी में सारे खड़े मसाले यहाँ पर डाल देना और उनको थोड़ा सा सिजल ज़रूर होने देना। फिर आप यहाँ पर घिसी हुई अदरक भी डाल देना, मिर्चे भी डाल देना और प्याज भी डाल देना। आपने सिर्फ तब तक पकाना है जब तक प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते, ढीले से हो जाएंगे प्याज, तब तक आपने पकाना है। ऐसा नहीं है कि इसको ब्राउन करना है या कुछ करना है, इसमें प्रिपरेशन ही मेन था, बाकी ये खिचड़ी बनाना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस अब इस स्टेज तक प्याज को पका लेना। ये देखो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, थोड़े ढीले हो चुके हैं और हल्का हल्का ब्राउन कलर माइल्ड सा आने लग गया है। यहीं तक आपने पकाना है। अब आप टमाटर डाल देना, और आपको तो पता ही है कि मैं टमाटर के बाद हमेशा नमक ही डालता हूँ, तो 1 चम्मच आप नमक डाल देना। मैंने आपको जानबूझ के बोला कि यहाँ पर देसी टमाटर का इस्तेमाल करना, एक तो वो जल्दी पकते हैं और दूसरा वो खट्टापन जो देते हैं ना, वो बहुत इन्हांस करते हैं चने की दाल के फ्लेवर को, तो हो सके तो देसी करना, बहुत बढ़िया फ्लेवर ही आता है। मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर डाले हैं, आपका काम 2 से भी आराम से हो जाएगा। बस देखो बातें करते करते यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, एकदम सॉफ्ट जैम जैसे से हो गए हैं, है ना। तो बस तेल अलग हो चुका है टमाटर से, हमारे मसाले से। अब आप यहाँ पर चने की दाल डाल देना जो हमने भिगा के रखी थी, सारा पानी ड्रेन आउट करके डालना और इसको मसाले के साथ पहले ज़रूर मिला देना, क्योंकि बाद में चावलों को आप ज़्यादा स्टर नहीं कर पाओगे, इसलिए ज़रूर अच्छे से मिला देना। बस अब आप यहाँ पर मिलाने के बाद चावल डालना और बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा स्टर कर देना। चावल क्या होते हैं, टूट भी सकते हैं ज़्यादा स्टर करने से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। फटाफट से अब आपने यहाँ पर घी डालना है, पानी नहीं, पहले घी डालना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा धनिया भी डाल दिया है। जब भी पुलाव बनाए जाते हैं या खिचड़ी बनाई जाती है, चावलों को अगर रोस्ट किया जाए तो बहुत अलग अलग बनते हैं, और हल्के हाथ से थोड़ा स्टर करके चावलों को भी घी में थोड़ा सा रोस्ट किया है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा मत कर देना। बस अब आप यहाँ पर पानी डालना। मैंने यहाँ पर पानी का जो रेशियो रखा है, मैंने अभी यहाँ पर 2 कप पानी डाला है, और अगर मैं आपको हिसाब समझाऊँ तो बेसिकली जितना आप चावल ले रहे हो उतना पानी, प्लस जितना आप चने की दाल ले रहे हो उसका डबल पानी। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो जैसे मैंने यहाँ पर आधा कप चने की दाल ली है तो 1 कप पानी चने की दाल के लिए, और 1 कप चावल लिए हैं तो 1 कप पानी चावल के लिए, टोटल हो गया 2 कप पानी। ऐसे ही आप ज्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हो। तो याद रखना कि अब जो आपने नमक डालना है वो चावलों के लिए डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी 1 चम्मच नमक डाला है। अब आप यहाँ पर धनिया डालना एंड में, और इसका ढक्कन लगाना, और पहली विसल आपने हाई फ्लेम पर देनी है। पहली विसल आने के बाद ही आप गैस को लो कर देना और मीडियम लो फ्लेम पर 2 विसल और देना, और अब गैस को बंद कर देना और प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना। जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, बस फिर क्या, आपने ढक्कन खोलना है और नहीं नहीं अभी खिचड़ी में हाथ नहीं डालना, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि चना दाल, आप ये देखो कितना बढ़िया तरीके से पक चुका है, क्योंकि हमने भिगा के रखा था ना, इसलिए इतनी जल्दी पक गया है। हाँ, लेकिन दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है,
इस खिचड़ी में कि आपको चावलों को फ्लफ जरूर करना है। एक फोक से आप चावलों को ऐसे कर देना, क्योंकि नीचे क्या होता है, ज्यादा हीट होती है, उसे चावल और चिपके चिपके रह जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि कई लोग जब ये बनाते हैं तो खिचड़ी में चावल एकदम चिपके चिपके होते हैं, तो उससे बचने के लिए पहले आप फ्लफ जरूर करना, बस फिर आपकी खिचड़ी भी ऐसे हिली हिली बनेगी। दोस्तों, आप जब भी कुछ न्यूट्रिशियस खाना चाहते हो, इजी बनाना चाहते हो, तो आप ये पुलाव जरूर बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे।